वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच एक तरफ तबलीगी जमात के लोग जहां धर्म के नाम पर लोगों के जीवन के सामने संकट खड़ा कर चुके हैं, वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में इस संकट के बीच अपने रिश्तेदारों तक को खतरा बरकरार रहने तक अपने घर न आने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे पर बकायदा पोस्टर लगा दिया है कि कोरोना वायरस के रहने तक उनके घर न आएं। अगर किसी को कोई जरूरत है तो उसके लिए फोन पर बात करने की सलाह दी जा रही है। शहर के कलेक्टरगंज इलाके से लेकर मुस्लिम बहुत इलाकों में दरवाजे के बाहर लगे ऐसे पोस्टर देखे जा सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृपया लॉकडाउन के दौरान मेरे घर न आएं। इस बारे में अपने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाने वाले सऊद अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस एक महामारी है और इसमें हिंदुस्तान को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आह्वान किया है। उसका पालन देश के हर नागरिक को कड़ाई से करना चाहिए, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। वही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने दरवाजे पर किसी को घर न आने की सलाह दे रहे व्यापारी प्रदीप गर्ग ने बताया कि हम लोगों ने रिश्तेदारों तक को फोन पर बता दिया है कि लॉकडाउन जारी रहने के दौरान किसी को किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर एक दूसरे के घर आ जा रहे थे और ऐसे लोगों को कहीं आने जाने से रोकने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, जिससे लोग अपने घरों में रहें और खुद का जीवन सुरक्षित रखने के साथ ही दूसरे के जीवन के लिए भी खतरा ना बने। शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों के बाहर लगे यह पोस्टर कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह तो कर रही है, साथ ही अपने अपने घरों में रहकर अपने साथ ही दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने का संदेश दे रहा है। फतेहपुर से संवाददाता पब्लू सिंह की रिपोर्ट। लोगों जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गलियों में, उसके लिए हम सावधान करना चाहते हैं कि अगर हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का हमको पालन करना ही है, हम सबके लिए, देश की जनता के लिए। उन्होंने अपने लिए नहीं कुछ ऐसा किया, ये आम जनमानस अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा। तो हमने इस मोहल्ले में हर के घर के दरवाजे जाकर एक जागरूकता पैदा किया है, एक स्लोगन दे देकर ये नारा लिखा है कि देश को बचाना है, कोरोना को भगाना है, तो हम सबको एक साथ होना है। मोहल्ले में भी भीड़ मत लगाइए, गली गली में लोग बाइक से उधर से रोड छोड़ के गलियों से निकलते हैं, उसी को जागरूक करने का मैंने ये काम किया। रेवगढ़ जिलाध्यक्ष जिला मित्र के एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके एक बीमारी महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है कोरोना के रूप में, इस कोरोना को हराने के लिए हम लोगों को अपने घर में पूरी तरीके से घर में रहना पड़ेगा और लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा हम लोगों को। और अपने घर में रहेंगे तब हम अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोसी को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने घर को, अपने माँ बहन को सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए हमने अपने घरों के बाहर लॉकडाउन के लिए ये लगवा दिया कि हमारे लॉकडाउन में आप लोग घर ना आए और घर आने की जरूरत, अपने अपने घर में रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। मेन मुहिम हम लोगों का ये है कि हर और ये हिंदुस्तान हमारा फतेहपुर जनपद सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके की यहाँ बीमारी और वबा न फैल पाए। जिस तरीके आज फतेहपुर सफल है, एक भी मरीज अभी तक नहीं मिला है कोरोना का, इसको हमको सफल बनाना है और कोरोना को हराना है और हिंदुस्तान से भगाना है।